पाड़ा मथुरा के शहर के अंदर के इलाकों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एसके शर्मा के द्वारा लोगों से वोट मांगे गए। इस दौरान उनको अपार जन समर्थन मिला और उन्होंने विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा है कि किसी का हाथ टूट गया, कोई चुनाव छोड़कर भागता नजर आ रहा। मथुरा वृंदावन विधानसभा के बीएसपी प्रत्याशी एसके शर्मा ने भरतपुर गेट, होली गेट, विश्राम घाट, द्वारकाधीश, स्वामी घाट, विश्राम घाट आदि जगहों पे जगह जगह जाकर जनसंपर्क किया और इसी के साथ एसके शर्मा का लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्वागत भी किया और उनको आश्वासन भी दिलाया कि अब की बात हमारे वोट एसके शर्मा के लिए ही जाएंगे। एसके शर्मा ने विपक्षियों पे निशाना भी साधा और कहा कि वो एक ऐसे पैराशूट है, आते तो हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते और बिना काम करे निकल जाते हैं। एसके शर्मा ने ये भी कहा कि अगर जनता मेरे समर्थन में रहती है तो मैं उनको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं घर जाकर जनसंपर्क कर रहा हूं और जनता का विश्वास मेरे ऊपर अटूट है, मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। टाइम्स लर्न सिंह, मथुरा, समाचार 24। हम यहाँ पर चौक बाजार में एसके शर्मा जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो इनकी रैली निकल रही है, आज प्रचार भी कर रहे हैं। एसके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एसके शर्मा जी जो आज दिखा रहे हैं, तो जिनके साथ डोली इतनी करी निकल रही है, जो वोट डालने वाले प्रत्याशी जो चौक बाजार में जो आज एसके शर्मा जी का हल्ला है बसपा से, श्रीकांत शर्मा जी जो खड़े हुए थे वो पांच साल में कुछ नहीं करा पाए, जो जो जमुना शुद्धि का कर्म था वो भी नहीं कराया। आज एसके शर्मा जी उतरे हैं यहाँ पर, जो आज हम दिखा रहे हैं एसके शर्मा जी को, जो उनके साथ इतनी तैनात की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। हम कुछ बात करते हैं एसके शर्मा जी, चलते हैं एसके शर्मा जी के पास, क्या जिनका आज रुतबा रहेगा जीतने का, जो बसपा तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को छोड़कर जो बसपा में आए, बसपा वृंदावन को चुनाव भी लड़ा और आज हमारे साथ मौजूद है एसके शर्मा। भगवान की जय। पूरा जन समर्थन मिल रहा है, पूरी जनता का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। शर्मा जी बीजेपी को छोड़कर बसपा में आए क्या? ये तो सब आप लोगों को मालूम है, जैसा कि नवा अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो सब पूरी जनता जानती है, पूरे प्रदेश की नहीं, देश की। मैंने हमेशा जनता की सेवा की, बिल्कुल बिल्कुल मैंने हमेशा जनता की सेवा की है, राजनीति भी सेवा है, लेकिन लोगों ने इसे व्यवसाय बना लिया है। जिन लोगों ने व्यवसाय बनाया है, वो व्यवसाय के माध्यम से जो जनता त्रस्त है, परेशान किया गया है, जनता अन्याय किया, अत्याचार अपमान किया है, जनता को जिनका सम्मान वापस दिलाऊंगा और जमुना जी सिद्धिकरण कराऊंगा, बंदरों से निजात दिलाऊंगा, नौजवानों को रोजगार दिलाऊंगा और यहाँ मथुरा जो विकास ने अधूरे काम सबको पूरा करा। किसकी टक्कर है तुम्हारी आज? अरे वो कोई आप सामने दिखाई दे रहा है, काव को हाथ टूट रहा है, काव को पेट टूट रहा है, कोई अपना दिल्ली की टिकट कटा रहा है, क्या किसके ऊपर लेके कह रहे हैं ये बातों को? अरे मैं कह रही हूँ जनता कह रही है, जनता कह रही है, जनता कह रही है। श्रीकांत शर्मा जी ने बताया जो आज की स्थिति में जो मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मथुरा के आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मथुरा की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, चौक बाजार में सारी जनता मुझे आशीर्वाद देकर विजय बनाएंगे। आज कुछ भी हमारे साथ नेता भी और मौजूद है, हम उनसे बात भी करेंगे। मथुरा जी चले जो कह रहे हैं मेरे सामने किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर भी टूट रहा है, क्या श्री वो जो एसके शर्मा जी बता रहे हैं जो आज की स्थिति को लेकर चौक बाजार की जनता कह रही है एसके शर्मा जी को हम वोट देकर विजय बनाएंगे, बीजेपी को छोड़कर वो भी बसपा में आए इसलिए उनने बहुत अच्छा किया, आज बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के आरोप करे। हमारे साथ कुछ भैया भी जुड़े, भैया बताओ। बहनजी के नेतृत्व में पांचवी बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आती नहीं गले से ब्रह्मा विष्णु महेश, किसकी मानते? श्रीकांत शर्मा जी है, ऊर्जा मंत्री भी है, जमुना को लेकर जमुना तो सारी गंदगी को खत्म करना है, उस पानी को आठवें लेने लायक बनाना है।
एस के शर्मा जी ने बताया आज की जनता मुझसे इतनी खुश है, जो चौक बाजार में मैंने रैली निकाली है, रैली नहीं है, ये रैला निकल चुका है, जनता इतनी खुश है, बीजेपी को छोड़कर बसपा में आए इसलिए जनता बहुत खुश हो रही है। जो जिनको बोल रहे हैं आज जिनकी वोट कोर देकर हमें जिनको एस के शर्मा जी को विजय बनाएंगे, इतनी मोहब्बत से जिताएंगे, 1,00,000 वोटों से एस के शर्मा जी को जिताएंगे, विजय बनाएंगे, जनता का कहना जो बातें करते हैं हमारे हो गए।
लेकिन आपकी आती जिंदाबाद और ऐसे शर्मा जिंदाबाद और दुश्मन की छाती पे बोल लगेगी आती पे लगेगी आपकी।